अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे प्यारे से यूट्यूब व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में अपने फ्रेंड की फरमाइश पर वेज दम बिरयानी। आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है, माशाल्लाह से देखने में बिल्कुल चिकन या मटन की बिरयानी लग रही है। तो चलिए जल्दी से इसे बिना टाइम वेस्ट करे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है 100 ग्राम कुकिंग ऑयल, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इसमें ले सकते हैं। और 100 ग्राम ही मैंने लिया है यहाँ पर पनीर, और उसके छोटे छोटे से कर लिए हैं इस तरीके से टुकड़े, और मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से सभी साइड्स इसकी गोल्डन ब्राउन करके हम इसको अलग निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सभी गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो मैं निकाल रही हूँ इन्हें अब एक अलग बाउल में, और इनको निकाल कर रख देंगे हम एक साइड में और लास्ट में बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सभी पनीर के पीसेस निकाल लिए हैं, और एक मीडियम साइज इस तरीके से स्लाइस की भी अनियन ली है मैंने, और इसको गोल्डन ब्राउन कलर देते हुए हम इसको निकाल लेंगे और इसको भी गार्निशिंग के टाइम पर लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारा इसका ऑयल इस तरीके से स्टेन करके हमें निकाल लेना है। और एक बाउल मैंने लिया है यहाँ पर आलू, एक बाउल ली है मैंने यहाँ पर मटर, और एक ही बाउल मैंने लिए है यहाँ पर शिमला मिर्च। और आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सीजनल वेजिटेबल्स थे जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए। तो इन्हीं को हल्के हल्के से फ्राई करके इनको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर उसी तेल में 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून डाली है मैंने यहाँ पर काली मिर्ची, 4 से 5 लौंग और 2 छोटी इलायची, और इनको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। तो एक छोटी साइज की प्याज मैंने इस तरीके से फाइन चॉप कर ली थी, और इसको भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे और ट्रांसलूसेंट सा करके, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसमें ऐड कर देना मुझे एक तेज पत्ता, वहाँ पर गरम मसाले के साथ मैं भूल गई थी, और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसकी सारी रॉनेस निकालते हुए हम इसको भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी रॉनेस निकलने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, और इस तरीके से 1 इंच की जुलियन कट अदरक, और इसको भी अच्छे से हम जब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो 1/4 टीस्पून डाल दिए मैंने हल्दी, 1/2 टीस्पून डाल दिए मैंने लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला, और अच्छे से इसको फ्राई होने के बाद मैंने डाल दिया इसे 4 से 5 स्लेट की हुई हरी मिर्चें, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये सोक की हुई न्यूट्री। आप इनको फ्राई कर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ सोक ही की थी, और बाकी वेजिटेबल्स जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम पर। और एज पर नीडेड जितना इसको टेंडर होने के लिए पानी ज़रूरत होगा हम उतना इसमें बीच बीच में चलाते हुए और इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बस इतना पानी मैंने ऐड किया है इसमें, बस 1/2 कप करीब, और इसमें से अच्छे से हम इसको मिक्स करते हुए चला रहे हैं, और इसको अच्छे से हम देखेंगे आप थोड़ी देर बाद 8 से 10 मिनट बाद कि हमारे ये जो वेजिटेबल्स हैं गले या नहीं। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, तो इनको रख देते हैं एक साइड। तो 1 लीटर पानी में मैंने डाला है यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 काली मिर्ची, 4 से 5 ही लौंग डाली है मैंने, 1 डाला है तेज पत्ता, और ये 300 ग्राम बासमती राइस मैंने पहले से सोक किए हुए रखे हुए थे, तो इस वो बॉयल किए हुए पानी में हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हमें 95% चावल यहाँ पर कुक कर लेने हैं, बाकी 5% हम दम में लगाएंगे। तो एक कढ़ाई ले ली है मैंने, और उसके बेस में डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी, और उस पर स्प्रेड कर दिया है मैंने सारे चावलों को, और जो सब्जी हमने पहले से टेंडर करके रखी हुई थी बस उसकी एक लेयर लगानी है, और फिर डाल देना है हमने पनीर को, और उसे गार्निश कर लेंगे। और इस तरीके से इसकी लेयर लगाते हुए हम इसको 1 से 2 लेयर में, और आपके अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो 3 लेयर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और उसको वापस से फिर से गार्निश कर लेंगे भुनी हुई प्याज से,
और पनीर से। और आप देख सकते हैं एज पर नीडेड आप अपने पसंद का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून डाल दिया मैंने यहाँ पर देसी घी, और लिड लगाकर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम में लगाकर छोड़ेंगे। तो इसीलिए कहेंगे हम इसको वेज दम बिरयानी। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये पूरे टेंडर हो चुके हैं, 100% कुक हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लेयर अब मैं इसकी खोल रही हूँ, और एक एक दाना कितना प्यारा, एक एक ग्रेन्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खिला हुआ है। तो चलिए अब ये हमारी वेज दम बिरयानी रेडी टू सर्व है। तो आप अपनी फैमिली के लिए मेरी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिले और पहली बार मेरी वीडियो फ्री में देखने के लिए मिले। तो हमने ये वेज दम बिरयानी अपने फ्रेंड की फरमाइश पर बनाई थी, तो हम उनके लिए पैक कर रहे हैं और उनको देकर आएंगे। तो आपकी भी ऐसी कोई भी फरमाइश हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर आपके साथ वो रेसिपी शेयर करना बहुत पसंद करूंगी। तो चलती हूँ, मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर।